हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। इससे पहले की वीडियो में मैंने यहाँ तक की कटिंग और स्टिचिंग आपको बताई थी। अब हम रफल्स की कटिंग करना सीखेंगे पार्ट टू के अंदर। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैंने जो ऑर्गेन्जा का मेन फैब्रिक है उसे डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। ये मेरा 2.5 मीटर फैब्रिक है। 2.5 मीटर कपड़े को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड किया है, देख सकते हैं आप। इसके लिए हम फर्स्ट लेयर की कटिंग के लिए हमने कपड़े को फोल्ड किया है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ मैं आपको मेजर करके दिखा देती हूँ। ये मेरा 2.5 मीटर कपड़ा है और उसे मैंने डबल फोल्ड किया है। ये देखिए 48 समथिंग ये आ रहा है हमारा, और ये 2.5 मीटर फैब्रिक है। और यहाँ से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लेंगे। ये हमारी फर्स्ट लेयर के लिए कपड़े की हमने कटिंग कर ली है और ये 2 फोल्ड में मेरा फैब्रिक है, देख सकते हैं आप। और इसकी जो यहाँ पर पना है वो 44 का है। कपड़ा हमारा 2 फोल्ड में रखा हुआ है। डबल फोल्ड मैंने लेंथ वाइज फोल्ड किया है। 2.5 मीटर कपड़े को लेंथ वाइज डबल फोल्ड किया है। अब हम इसे विड्थ वाइज फोल्ड करेंगे तो ये हमारा कपड़ा हो जाएगा 4 फोल्ड में। इस तरह से मैंने विड्थ वाइज कपड़े को फोल्ड किया। ये 4 लेयर्स हो गई है हमारे फैब्रिक की। अब हम इसे अगेन लेंथ वाइज फोल्ड करेंगे, लंबाई में फोल्ड करेंगे, तो हमारा कपड़ा 8 फोल्ड में हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने कपड़े को लेंथ वाइज फोल्ड किया तो ये कपड़ा हमारा हो गया है 8 फोल्ड में। इस तरह से आप फोल्ड करेंगे तो आपकी रफल्स में सिर्फ एक ही जॉइंट रहेगा, ज्यादा जॉइंट नहीं आएंगे। तो कपड़ा मेरा 8 फोल्ड में हो चुका है। अब देखिए, यहाँ पर ये खुला भाग है, ये खुला भाग है और ये भी खुला भाग है, और ये जो भाग है ये बंद भाग है, यानी कि फोल्डेड साइड है। तो यहाँ पर हम रफल्स के राउंड की मेजरिंग करेंगे। मैं यहाँ इस कॉर्नर पर इंच टेप रखकर 10.5 यानी कि 10.5 इंच पर मार्क करूंगी। रफल की जितनी लंबाई आपको रेडी चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैंने 10.5 लिया है। अगर यहाँ पर आपको रफल की रेडी लेंथ कम चाहिए तो आप 9 भी ले सकती है, 9.5 10 तक भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 10.5 ले रही हूँ। 10.5 पर हम एक सर्कल बना लेंगे। सेंटर से भी मैंने 10.5 पर मार्क कर दिया है और इस साइड से भी हम 10.5 लेकर मार्क कर देंगे। तो इस तरह से मैंने मार्क कर दिया है। अब एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे इन लाइंस को मिलाते हुए। तो इस तरह से मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया है। ये देखिए लाइन बना दी है। अब हम रफल की लेंथ लेंगे। तो फर्स्ट जो हमारी रफल है उसकी लेंथ हम लेंगे 12 इंचेस। आप 11 इंच तक भी ले सकते हैं। और यहीं पर अगर आपको रफल की लेंथ कम तैयार चाहिए तो आप 10 इंच भी ले सकते हैं, 9.5 इंच भी ले सकते हैं। तीनों तरफ आप 9.5 ले लीजिए, जिसे मैंने 10.5 लिया है। अब यहां पर आपको इसे चेक करना है कि आपका 17 इंच आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि जितना भी हमें रेडी चाहिए 17 का इंटू हो जाएगा 8 से, इतनी ही हमारी रफल्स की लंबाई तैयार रहेगी। मेरा 17 आ रहा है तो ये परफेक्ट है, ठीक है। तैयार होकर हमारी रफल की लंबाई उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगी। तो ये मेरा 17 आ रहा है और 17 की हमारी 8 लेयर्स निकलेगी तो ये काफी लॉन्ग बन जाएगी। अब यहां से यहां हम रफल की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो फर्स्ट लेयर की लेंथ में रखूंगी 12 इंचेस। तो यहां पर मैं 12 इंच पर मार्क कर रही हूं। इस तरह से मैंने 12 इंच पर मार्क कर दिया है। अब हर थोड़ी दूरी पर हम 12 इंच पर मार्क कर देंगे, 12 इंच पर। आप फर्स्ट लेयर की लेंथ 11 इंच भी ले सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पर जो ये 17 का हमारा राउंड निकल कर आ रहा है, इसकी कैलकुलेशन मैं स्क्रीन पर दे दूंगी ताकि आप इजीली से समझ सके कि हमारी रफल की लेंथ कितनी आ रही है। अगर आपको कम चाहिए तो आप कम भी ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने 12 इंच पर लेकर मार्किंग कर दी है। अब पूरा सर्कल बना देंगे इस तरह से। तो ये हमारी फर्स्ट लेयर की कटिंग हम कर देंगे। हम इस तरह से कटिंग कर देना है आपको चौक के निशान पर। यहाँ पर भी मैं कटिंग कर दूंगी, चौक की जो मार्किंग है उस पर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट लेयर की कटिंग हो गई है। ये सबसे बड़ी हमारी रहेगी, ये हमारी लेयर कट हो गई है। अब हम सेकंड लेयर की कटिंग करेंगे। देखिए इसे आपको संभाल के रखना है, इसी के यूज से हम सेकंड लेयर, थर्ड, फोर्थ तीनों लेयर की कटिंग करेंगे। अब मैं इसे ओपन कर लेती हूँ पूरा। इसे हमें एक तरफ से कट करना होगा। देखिए ये हमारे 2 सर्कल निकले हैं, ठीक है, और इसमें ज्वाइंट नहीं आएगा। अब यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, एक ही ज्वाइंट रहेगा इसमें, इसीलिए हमने इस तरह से कटिंग की है। देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। 2 सर्कल है हमारे, काफी बड़े बड़े सर्कल निकले हैं, ज्यादा ज्वाइंट इसमें नहीं आएगा, इसीलिए हमने इस तरह से कटिंग की है। तो ये फर्स्ट लेयर की कटिंग हो गई। अब मैंने इसे अच्छे से फोल्ड कर दिया है ताकि फैब्रिक में सल ना हो, और ऑर्गेन्जा में सल बहुत जल्दी आते हैं। अब मैंने सेकंड लेयर के लिए कपड़े को फोल्ड किया है, जो कि मेरा 2 मीटर कपड़ा है, और इसे 2 मीटर कपड़े को मैंने लंबाई में फोल्ड किया। ये हमारा 40 इंच आ रहा है 1 फोल्ड में, तो 2 फोल्ड में हमारा 80 इंच हो गया, जो कि 2 मीटर के अप्रोक्स हो गया है। अब इस 2 मीटर कपड़े को फोल्ड करने के बाद मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है, और पन्ना जो है इसका 44 का है, ठीक है, देख सकते हैं आप। अब ये हमारी सेकंड लेयर की कटिंग के लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। अब हमारा ये डबल फोल्ड कपड़ा है लेंथ में। अब हम इसे विड्थ में एक और बार फोल्ड करेंगे तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा हमारा। 4 फोल्ड फैब्रिक को वापस लेंथ में फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 8 फोल्ड हो जाएगा, जैसे कि हमने पहले लेयर के लिए फोल्ड किया था।
अब जो फोल्डेड साइड है यानी कि बंद भाग है उस पर हमें ये कॉर्नर रखना है। ये जो हमने फर्स्ट लेयर की कटिंग की थी और मैंने कहा था कि हमें इसे संभाल कर रखना है वही है। तो देखिए ये फोल्डेड साइड है, ये ओपन साइड है, तो हम फोल्डेड साइड पर इस तरह से रखेंगे। फोल्डेड साइड को फोल्डेड साइड से रखेंगे और सेकेंड लेयर की लेंथ में 10 इंच ले रही हूँ। आप यहाँ पर कम ज्यादा भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो 10 10 इंच पर हम मार्क करेंगे। देखिए फोल्डेड साइड पर ही हमने रखा, ये देख सकते हैं आप मेरी फोल्डेड साइड को, मैंने फोल्डेड साइड से मैच किया है। और सबसे पहले इसके राउंड का निशान लगा लेंगे। इस तरह से आपको बार बार इंचेस का निशान नहीं लगाना पड़ेगा, आप इस सर्कल को अभी संभाल कर रखिएगा। इसमें मैंने पिन से सेट कर दिया है ताकि इधर उधर ना हिले, ठीक है। इसमें मैंने पिन लगा कर रखी है। अब इसका निशान लगाने के बाद हम सेकंड लेयर का निशान लगा लेंगे 10 10 इंच पर। तो 10 इंच पर हम निशान लगा लेंगे, पूरे में 10 10 इंच पर मार्क कर लेना है आपको। आप इसकी लेंथ कम ज्यादा भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैंने सभी लेयर्स में 2 2 इंच का डिफरेंस रखा है यानी कि 2 2 इंच का। देखिए मैंने कपड़े को इस तरह से फोल्ड किया था कि एक स्ट्रेट सी पट्टी निकल जाए जो कि हमारे और भी यूज में आ जाएगी और कपड़ा भी वेस्ट ना हो। तो इस तरह से हमारी मार्किंग हो गई है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मार्किंग कर लेना है पूरी आपको, आप लेयर्स में डिफरेंस कम ज्यादा अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो इस तरह से मैं पूरा मार्क कर लूंगी और अब हम कटिंग कर लेंगे निशानों पर। यहाँ पर दोनों पे हमें कटिंग कर लेना है एज इट इज, तो मैंने कटिंग कर ली है। ये हमारी सेकेंड लेयर की भी कटिंग हो गई है, अब हम थर्ड लेयर की कटिंग करेंगे, ठीक है। ये मेरी सेकेंड लेयर है, अब इसे भी पूरा ओपन करके एक साइड से हम कट कर देंगे क्योंकि ये दो रफल्स निकलेंगे, जो दो राउंड हमारे निकले हैं। इस तरह से मैंने कटिंग कर दिया है। अब थर्ड लेयर के लिए मैंने जो कपड़ा लिया है वो मेरा 1.5 मीटर कपड़ा है और इस तरह से कपड़े को लेंथ वाइज 1.5 मीटर कपड़े को मैंने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। 1.5 मीटर कपड़ा है, इसे मैंने लेंथ वाइज डबल फोल्ड किया है और अब हम इसे विड्थ वाइज फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 4 फोल्ड में हो जाएगा। और यहाँ पर ये कपड़ा मैंने इस तरह से फोल्ड किया है ताकि हमारा कपड़ा वेस्ट ना हो, इससे हमारी 4th लेयर निकल जाएगी। तो मैंने इस तरह से कपड़े को फोल्ड किया है, अब इसे एक और बार फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 4 फोल्ड में हो गया, सॉरी 8 फोल्ड हो गया है। और ये कपड़ा मैंने इस तरह से निकाल दिया ताकि इसका यूज आ जाए। अब ये फोल्डेड साइड पर हम इस तरह से रखेंगे और ये जो सर्कल निकला हुआ है ना इस पर पिनअप कर दीजिएगा ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो। और अब मार्किंग ले लेंगे हम इस तरह से, तो ये मैंने मार्किंग ले ली है। अब जो हमारी थर्ड लेयर है उसकी लेंथ हम रखेंगे 8 इंच, तो यहाँ पर हम 8 इंच पर मार्क कर देंगे। तो इस तरह से 8 इंच लेकर 8 8 इंच लेकर आपको निशान लगा देना है। आपको जो सर्कल निकला है ना उसे ही रख रख कर मार्किंग कर लेना है, बार बार आपको 17 इंच मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हम 8 8 इंच लेकर पूरा राउंड बना लेंगे यहाँ पर। इस तरह से देखिए हमें जितने कपड़े की जरूरत है उसी के अकॉर्डिंग मैंने फोल्ड कर लिया है ताकि कपड़ा जो है ना वो हमारा दूसरे यूज में आ जाए, इससे हमारी 4th लेयर निकल जाएगी क्योंकि 4th लेयर के लिए मेरे पास कपड़ा नहीं बचा है। तो हम इसी में से निकालेंगे जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, देखिए हमारी मार्किंग हो चुकी है तो मैंने इसकी कटिंग कर ली। अभी जो साइड में कपड़ा बचा ना इससे हम हमारी 4th लेयर निकालेंगे। तो देखिए इसे भी खोलकर एक तरफ से मैंने कट कर दिया है, ये भी हमारी 2 लेयर्स निकली है, ठीक है। इस तरह से ना जॉइंट नहीं आएंगे रफल्स में। अब हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे, देखिए आधा आधा इंच का मार्जिन लेकर इस तरह से सिलाई लगा देंगे तो ये हमारे 2 राउंड है तो दोनों में सिलाई लग जाएगी। इस तरफ से हमें स्टिच नहीं करना है, सिर्फ एक साइड से ही स्टिच करना है। तो ऐसे ही सारी रफल्स में आप एक तरफ से स्टिच कर लीजिएगा तो ये हमारी रफल्स स्टिच हो जाएगी। अब देखिए ये जो 2 बचे हैं हमारे दोनों 3rd और 4th रफल्स के, 2nd और 3rd के, तो इससे हम 4th रफल निकालेंगे हमारी। तो देखिए यहाँ पर मेरी 5 इंच की ही निकलेगी तो हम 5 5 इंच पर मार्क कर देंगे। वैसे निकालनी 6 इंच की थी पर 5 इंच की ही निकल पाएगी क्योंकि इतना फैब्रिक नहीं है। तो 5 5 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्क कर देना है। 4th लेयर मुझे बनाना नहीं था पर मैंने लास्ट में मन बनाया कि ठीक है 4th लेयर भी बना लेते जो बचा है उससे, तो ठीक है बना लेते हैं। 5 5 इंच का मैंने मार्क कर लिया। मैंने 3rd लेयर के हिसाब से ही फैब्रिक ऑर्डर किया था कि 3 लेयर ही बनानी है। तो 5 5 इंच पर मैंने इस तरह से मार्किंग करके कटिंग कर ली है। अब कटिंग करने के बाद ये जो फैब्रिक बचा है ना इसी से मैं रखकर इस तरह से यहाँ पर निकाल लूंगी। अगर मैं वो राउंड रखती तो फिर तो कपड़ा बहुत कम था मेरे पास, नहीं एडजस्ट हो पाता। तो इसीलिए मैंने इस तरह से रखकर ये हमारी 4th लेयर कटिंग हो चुकी है, देख सकते हैं आप 1 2 3 4। इस तरह से हमारी 4 लेयर्स मैंने कट कर ली है। अब इन्हें नीचे हमें पिको करना है, इसपे एक एक तरफ से तो ज्वाइंट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया 2 पल्लों को मिलाकर सिलाई लगा दीजिए आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए और फिर नीचे हमें पिको करना है, ठीक है। एक साइड ही आपको सिलाई लगानी है सभी रफल्स में और नीचे आपको पिको या आप मशीन लगाना चाहते हैं जो भी। मैं यहाँ पर डबल फोल्ड करके वायर वाला पिको करूंगी, आप सिंपल धागे से भी पिको कर सकते हैं या सिलाई लगा सकते हैं आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो चलो 4 रफल में हम पिको कर लेते हैं और सिलाई लगाकर इसे ज्वाइन कर लेते हैं।
हैं। तो देखिए ये हमारी फर्स्ट लेयर रही, ठीक है। मैंने पिको कर लिया है और एक साइड से ज्वाइंट किया है बस इसे, इसमें सिर्फ एक ही ज्वाइंट रहेगा, ज़्यादा ज्वाइंट नहीं आएंगे। और ये हमारी सेकेंड रफल, तो हम इसके ऊपर रख देंगे। राइट साइड ही ली है मैंने और ये राइट साइड सेकेंड रफल की रख रही हूँ मैं। इस तरह से चारों रफल को हमें सेट कर लेना है। ये राइट साइड है हमारी फ्रिल्स की, ठीक है। तो इस तरह से मैंने रख दिया है, ये हमारी सेकेंड लेयर रखी मैंने इस पर, ठीक है। हम इस पे थर्ड लेयर भी रख देंगे। तो देखिए ये मेरी थर्ड लेयर है, इसे भी हमें इसी तरह से रख देना है, राइट साइड ही रखना है। इसे भी इस तरह से रख देंगे, पूरा सेट कर देंगे इसके ऊपर। हमें चारों लेयर्स को रख कर स्टिच करना है, राइट साइड ही स्टिच करेंगे हम पहले। तो इस तरह से देखिए इस लेयर को भी मैंने इनके ऊपर रख दिया है, सभी को बिल्कुल बराबर से मिलाकर। और मैंने फोर्थ लेयर भी रख दी है। अब चारों लेयर को मैंने रख दिया, अब स्टिच लगा देंगे। आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए यहां से स्टिच लगाकर एंड तक स्टिच लगा देंगे, चारों लेयर को बराबर रखते हुए, ठीक है। तो यहां पर स्टिच लगाना है। देखिए चारों लेयर्स मैंने रख दी है, हाफ हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए मैंने सिलाई लगा दी, देख सकते हैं आप। चारों लेयर को स्टिच किया है। अब इसमें हेमिंग वगैरह अभी नहीं करना है, मैं आपको बता दूंगी। अभी हमने राइट साइड ही सिर्फ सिलाई लगाई है, आधा इंच का मार्जिन लेते हुए। इसमें हेमिंग कब करना है ये भी मैं आपको बता दूंगी। तो अभी तो हमने सिंपली सिलाई लगा दी है। अब साड़ी का जो नीचे का पार्ट है ना, उसमें हमें हॉर्स हेयरबेड लगाना है। तो राइट साइड मैंने ली हुई है और हॉर्स हेयरबेड को हम रखेंगे मेन फैब्रिक ऑर्गेंजा फैब्रिक पर। राइट साइड रखा है मैंने, खींचना नहीं है इसे। और आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें इसे स्टिच कर देना है। राइट साइड पर ही मैंने रखा है, हमारी साड़ी के फ्लेयर वाले हिस्से में राइट साइड पर रखा है। इस तरह से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए मैं एंड तक पूरे सर्कल में मैंने स्टिच कर दिया है। अब इसके बाद इसे रॉन्ग साइड इस तरह से टर्न कर देंगे। राइट साइड पर हमने स्टिच किया, उसके बाद एक स्टिच लगाने के बाद हमने रॉन्ग साइड टर्न किया और अब इस कॉर्नर पर सिलाई लगा देंगे। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो देखनी है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि हॉर्स हेयरबेड किस तरह से आपको अच्छे से लगाना है। तो इस तरह से हम स्टिच कर देंगे पूरे सर्कल में, हमारे ऑर्गेंजा फैब्रिक में हमने लगाई है हॉर्स हेयरबेड। तो देखिए स्टिच हो गई है। अब उसके बाद में रफल्स हमें लगाना है, तो इसे ओपन कर लेंगे इस तरह से और एक पल्ला मैंने लिया है, इसे बराबर कर लेंगे। अब रफल्स को हमें स्टिच करना है। तो देखिए नीचे जो हॉर्स हेयरबेड लगी है ना, वहीं पर ऊपर एक निशान लगाएंगे। हॉर्स हेयरबेड से नहीं लगाना है हमें रफल, उसके ऊपर से। और यहां से जो नीचे वाला पार्ट है ना, वहां से नीचे की तरफ एक इंच पर एक निशान लगाएंगे। देखिए तो ये एक इंच पर मैंने मार्क कर दिया है। अब यहां से देखिए इस तरह से हमारी रफल क्रॉस में जाएगी, तो ये मार्क मैंने कर दिया है। अब यहां से हम इस तरह से तिरछे में रहेंगे, तो आप इंच टेप भी रखकर तिरछे में निशान लगा सकते हैं, जिप तक हमारी रफल जाएगी। और ये एक पार्ट में आपको स्टिच करना है जो कि बैक में रहेगा हमारा। इस तरह से इंच टेप को मैंने तिरछा रख दिया और मार्किंग ले ली है, ये बैक में हमारा आएगा। इस तरह से साइड जिप तक ये तिरछे में हमारी रफल्स को हमें ज्वाइन करना है। तो इसीलिए मैंने एक पल्ले पर ही मार्किंग ली है, जो बैक का पल्ला है। तो देखिए रफल्स है हम यहाँ पर रखेंगे, ये राइट साइड है मेरी। तो इस तरह से जो हमने हॉर्स हेयरबेड के ऊपर निशान लिया है ना, वहां से हम इसे स्टिच करेंगे इस तरह से रखते हुए। एक पल्ले पर मैं रख रही हूँ अभी, और इस तरह से आधा आधा एक एक इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर देना है आपको इस तरह से। अब यहाँ जो हमने एक इंच नीचे निशान लगाया था ना, वहां तक तो हम सीधी सीधी ज्वाइन करेंगे। तो पहले मैं ना यहाँ तक आपको ज्वाइन करके दिखाती हूँ, उसके बाद यहाँ पर कैसे ज्वाइन करना है फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए मैंने यहां तक नीचे के फ्लेयर तक ज्वाइन कर लिए, अब उसके बाद ये क्रॉस में कैसे आपको स्टिच करना है। तो देखिए इसके लिए सिंपल सा तरीका है, जो यहाँ एक इंच का निशान है ना, वहां से हमें ये जो रफल्स है ना, इसे हाफ इंच फोल्ड करते जाना है। जो हमने हाफ इंच नीचे सिलाई में लिया उसे हम सिंपली फोल्ड कर लेंगे। देखिए ये जो है इसे क्या करेंगे हम, ये देखिए जो आधा इंच हमने तीनों और चारों रफल्स को आपस में स्टिच किया था ना, उसी आधा इंच को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, ठीक है। देखिए ये जो है इसे हम अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देंगे, और ये जो लाइन हमने बनाई है बैक में तिरछे में, इस पर हमें स्टिच कर देना है, ठीक है। इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और सिंपली जो लाइन बनाई है बैक में, उस पर हम स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरह से रखते हुए हमें स्टिच कर देना है। ज्यादा इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको पलटना वगैरह नहीं है। इसी तरह से आप स्टिच करेंगे तो सिंपली आपसे स्टिच हो जाएगा। देखिए इस तरह से फोल्ड करते जाना है, और हाफ हाफ इंच का हम फोल्ड करेंगे। जो हमने मशीन में लिया, सिलाई में लिया है लेयर्स को स्टिच करने में, वही कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और पूरा आपको स्टिच कर देना है। एंड तक आपको जिप तक लेकर जाना है तिरछे में। इस तरह से हम स्टिच कर देंगे इसे, ये देखिए इस तरह से आपको हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है, तो राइट साइड ऑटोमेटिक आ जाएगी। देखिए कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे हम, ठीक है। तो इस तरह से मैं फोल्ड करके आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने फोल्ड कर स्टिच कर दिया है यहाँ पर, ये हमारा पूरा स्टिच हो गया है। अब ये हम दोनों इसे ज्वाइन करेंगे, जो हमारे दोनों पल्ले हैं इनको। तो इसके लिए देखिए पहले यहाँ पर हम इन्हें हेम कर लेते, जो हमारा रफल से, जो हमारा रफल का पल्लू है इसे हेम कर लेते। तो इसके लिए मैंने ना 2 इंच चौड़ाई की पट्टी ली है, और लंबाई तो ये हमारे पल्लू के बराबर है इसकी, ये देखिए 2 इंच चौड़ाई है।
और लंबाई तो पल्लू के बराबर लेनी है। यहाँ से जितना भी पल्लू की लेंथ है उतनी लंबी ये पट्टी आपको ले लेना है। तो उतनी लंबी पट्टी मैंने ली है। अब ये पल्लू की राइट साइड है और पट्टी की राइट साइड को हम अंदर की तरफ रखेंगे। इस तरह से दोनों राइट साइड एक दूसरे को फेस करेगी और हाफ हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हम स्टिच कर देंगे एंड तक। देखिए जहां तक हमने स्टिच किया है, जिप के तक हमने रफल को स्टिच किया। अब यहां से हमारा पल्लू बिल्कुल सिंगल है तो यहीं से हमें ये पट्टी लगानी ताकि ये हेम हो जाए। और हाफ इंच स्टिच करने के बाद इस तरह से पलटेंगे और पलटने के बाद इस तरह से देखिए इस तरह से आएगा। तो हम हाफ इंच फोल्ड करेंगे इसे और उसके बाद हमें एक और बार फोल्ड कर लेना है। हम एक और बार फोल्ड करेंगे तो देखिए हाफ इंच समथिंग ये हमारा फ्रंट में दिखेगा। देखिए कुछ इस तरह से ये शो होगा और पूरा हमारा हेम भी हो जाएगा। तो इस तरह से मैं हेम कर लूंगी पूरे हमारे पल्लू को। 2 इंच की पट्टी है, इस तरह से मैं पूरा इसे स्टिच कर देती हूँ। अब स्टिच करने के बाद मैंने इसे उल्टा कर लिया है। तो देखिए एक साइड हमने रफल्स स्टिच की थी, देखिए बैक वाली साइड। अब इन्हें अंदर की तरफ कर देंगे, इस तरह से अंदर कर देंगे पूरा और दोनों पार्ट को आपस में स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरह से रफल स्टिचिंग में ना इस बात का ध्यान रखें। तो इस तरह से हम स्टिच करेंगे, रफल को पूरा अंदर कर लेंगे। तो ये मैंने पूरी स्टिच कर दी है और इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत और डिजाइनर सी साड़ी है। आई थिंक इससे पहले आपने यूट्यूब पर इस तरह का वीडियो नहीं देखा होगा। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक डिजाइन है और इसका पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फैब्रिक मैंने कहां से परचेस किया उसकी भी पूरी डिटेल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। द डिजाइन कार्ड से मैंने ये फैब्रिक लिया है, बहुत ही अच्छा फैब्रिक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।